हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आउटिंग विद आशीष में। और एक शॉर्ट अनबॉक्सिंग आपने देखी दोस्तों, है ना। इसके पहले आपने इस चैनल में दोस्तों बहुत से स्टोव देखे हैं, कैंपिंग के लिए, स्पेशली सोलो के लिए, वन पर्सन के लिए लकड़ी से जलने वाले स्टोव देखे दोस्तों। हमने सॉलिड फ्यूल स्टोव देखे, जिसमें हमने इस्बित का सॉलिड फ्यूल स्टोव देखे थे, और अल्कोहल स्टोव देखे दोस्तों, जिसमें हमने ट्रांजिया अल्कोहल स्टोव देखे थे। और एक कैटेगरी जो रह गई थी स्टोव की, तो वो मुझे मिल गई है तो, और ये मुझे सेफ लगा, बजट में लगा, सबसे बड़ी बात बजट में लगा, इसलिए मैंने इसे मंगाया दोस्तों। और ये है दोस्तों वो कैनिस्टर, ब्यूटेन के हैं, है ना, गैस कैनिस्टर है, हैंस कंपनी के कैनिस्टर है दोस्तों। कॉम्बो पैक में दोस्तों मुझे ये स्टोव भी साथ में मिल रहा था। ये मॉडल 2 स्टोव है दोस्तों। जब हम कैटेगरी को सर्च करेंगे इसके साथ, जब हम देखेंगे, तो ये मॉडल 2 स्टोव है दोस्तों, और बहुत बढ़िया लगा। तो चलिए आज इस सेटअप को हम देख लेते हैं, और सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। तो ये 230 ग्राम का है दोस्तों, 230 ग्राम इसका वेट है, और इसका जो चौड़ाई है वो 4.25 इंच करीब है, 4.25 इंच है, और जिसकी हाइट है वो 4 इंच करीब है। तो इसका बेस मुझे अच्छा लगा, स्टेबिलिटी दिखी इसमें मुझे, तो इसलिए मैंने इसे मंगाया। और ये मुझे भरा हुआ मिला है, और चूड़ी वाला सिस्टम है दोस्तों इसमें। तो ये हो गया दोस्तों हमारा गैस कैनिस्टर। ये इसके बारे में बताया गया है कि एक्सट्रीमली कंडीशन में भी इसे यूज़ किया जा सकता है, है ना, -40 डिग्री में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। -40 डिग्री में कभी ज़िंदगी में जाने का मौका मिलेगा या नहीं, नहीं मालूम। हम तो नॉर्मल बंदे हैं दोस्तों, तो नॉर्मल कंडीशन में, है ना, नॉर्मल वेदर कंडीशन में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी चीज़ जो है दोस्तों वो है ये स्टोव, बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट सा लगा। इसकी भी हम जब हाइट देख लेते हैं तो ये 3 इंच 3.25 इंच है दोस्तों, बहुत बढ़िया लग रहा है। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, लाइट वेट है, एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का, हार्ड एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसको खोलने का तरीका यह है दोस्तों कि ये जो 4 ब्लेडें हमें दिख रही हैं, इसको जब हम इसमें रोल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, है ना। और खुलने के बाद इसके साथ ये दिया गया है, तो इसको जब हम ऐसे खोलेंगे तो ये काफ़ी सफिशियंट स्टैंड हमें मिल जाएगा, बर्तन रखने के लिए, पॉट रखने के लिए। तो ये गैस स्टोव, ये नॉब और ये लाइटर, ये स्टोव दोस्तों इस तरीके के बॉक्स में आता है दोस्तों, इन प्लास्टिक बॉक्स है, तो ये इसमें सेफ रहेगा। ये जो आपका नॉब है ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा यहाँ पर, और इसके फोल्ड होने के बाद डालकर देखते हैं इसको चला जाता है, ठीक है। ये दोस्तों चला गया, और ये बॉक्स में काफ़ी सेफ और सिक्योर रहेगा, तो बहुत आसानी से दोस्तों ये इसमें फिट हो जाएगा इस तरीके से, चूड़ी में है दोस्तों। तो इसको मंगाने का मकसद यही है दोस्तों कि इसमें गैस लीकेज का झंझट नहीं है, है ना। बाकी जो दूसरे हम लंबे वाले गैस कैनिस्टर अटैच करते हैं, उसमें क्या होता है कि उसको अटैच करते समय गैस लीकेज होती है, फंस से आवाज़ आती है, थोड़ा सा डर लगता है। और ये काफ़ी सेफ लगा दोस्तों मुझे, ये इस तरीके से अटैच हो गया। तो वन पर्सन के लिए, कैंपिंग के लिए, इमरजेंसी कंडीशन के लिए, अपना चाय कॉफ़ी जूस वगैरह बनाने के लिए, सूप वगैरह बनाने के लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों, है ना। तो चालू करके भी देख लेते हैं एक बार, लाइटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, है ना। चलिए मेरे चेहरे के सामने रखता हूँ ताकि थोड़ा कालेपन में आपको इसकी फ्लेम दिख जाए। फर्स्ट टाइम चालू कर रहा हूँ दोस्तों, देखते हैं लाइटर काम करता है या नहीं। पहले तो हम इसको यहाँ से खोल लेते हैं, आवाज़ आ रही होगी गैस की, तो मतलब नॉब बढ़िया काम कर रहा है। अब लाइटर की बारी दोस्तों, बहुत बढ़िया, लाइटर भी एकदम मस्त। फ्लेम नहीं दिख रही होगी, मैं काला हूँ इसलिए थोड़ी बहुत दिख रही होगी, तो दिख रही होगी, है ना। बढ़ा कर देख लेते हैं, बंद कर दिया मैंने, ये बहुत ज़बरदस्त दोस्तों, बंद कर दिया फिर से एक बार मैंने। कॉर्नर में आपको इसकी फ्लेम जरूर दिख रही होगी दोस्तों को,
बढ़िया फ्लेम है, कंट्रोल भी अच्छा है ना, रेगुलेटर का नॉब का कंट्रोल भी अच्छा है। दो इसलिए मंगाया हूँ दोस्तों कि एक अगर खाली हो जाता है तो अगर मुझे दूसरे की ज़रूरत है लेके नहीं चलूँगा, एक ही सफिशियंट है मेरे लिए, लेकिन बैकअप होना चाहिए घर में ताकि कभी अचानक मूड हो गया कहीं जाने का तो अपना कैनिस्टर उठाए और निकल लिए, है ना। ये इसमें जो डिस्क्रिप्शन में कंपनी ने बताया है कि आप 1-3% का भोजन वगैरह आराम से बना सकते हैं, तो भोजन नॉनवेज बनाना तो थोड़ा कठिन होगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, शाकाहारी भोजन हम ज़रूर इसमें बना सकते हैं। सुबह का टाइम हो रहा है, 9 बज रहा है, तो कुछ नाश्ता इसमें कुक कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें नाश्ता किस तरीके का बनता है। गैस का स्वाद तो हमको मालूम है, सभी के घरों में है, तो चलिए इसका डेमो हम देख लेते हैं। दूध लाया हूँ दोस्तों, पानी तो हम बहुत बार उबालते हैं, आज दूध उबालेंगे, है ना, ब्रेकफास्ट का समय, दूध और ब्रेड लाया हूँ, तो दूध को बॉईल करते हैं और टाइम देख लेते हैं कि कितने टाइम में हमारा दूध इसमें बॉईल हो जाएगा और एक आध स्वीट डिश बनाएंगे बढ़िया बेहतरीन वाली, सिंगल के लिए स्वीट डिश का मज़ा लेंगे, दूध पियेंगे और आज के नेचर को एंजॉय करेंगे। बहुत बढ़िया रिजल्ट है दोस्तों, 3 मिनट हुआ है, आधा बॉईल हो चुका है दूध मेरा, बस उफान पे है, थोड़ा कंसंट्रेट करता हूँ नहीं तो जल्दी गिर जाएगा, है ना, दूध गिरता है क्योंकि हमेशा अपने से अच्छा है दोस्तों। पॉट भी बहुत अच्छे से मेरा स्टेबल है, इसमें गिर नहीं रहा है, है ना, और ये मेरा जो पॉट है ये 755 ml वाला पॉट है दोस्तों, MSR का, और अच्छी स्टेबिलिटी है, स्लिप नहीं हो रहा है, बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना दूध हो ही गया है। तो 4 मिनट के अंदर दोस्तों दूध बॉईल हो चुका है ना, दूध तो बॉईल हो गया दोस्तों अपना बहुत कम समय में, ये क्या है गैस स्टोव के साथ कुकिंग बहुत आसान हो जाती है ना, तो जो टाइम स्पेंड करने का समय होता है लकड़ी के साथ, धुएं के साथ, है ना, और जो फ्लेवर की बात होती है वो थोड़ी सी कैंपिंग वगैरह के दौरान मिस तो ज़रूर करनी पड़ेगी, है ना, पूरा हनी का डिब्बा ही उठा के ले आया मैं घर से या।
साथ ही साथ बता दूं दोस्तों कि ये जो अपना MSR का पॉट है ना, इस पॉट की ये लिड है, इस लीड को हम फ्राइंग पैन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी लिड में हम अपनी डिश को बनाते हैं, तो चलिए ट्राई करते हैं। हमारा स्लाइस रेडी है ना, ब्रेड, उसमें बटर, फिर हनी, फिर ब्रेड, फिर हनी, फिर बटर। अब इसको बेहतरीन अपन डिलीशियस स्वीट डिश बनाते हैं। आप लोगों ने बनाई होगी, लेकिन कैंपिंग में इसको बनाने का मज़ा ही कुछ और है। फ्लेम बहुत तेज है, ब्रेड जल गई मेरी। तो दोस्तों स्टोव कैनिस्टर एकदम ठंडा है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अपना दूध बॉईल हो चुका है, एक टूटी फूटी जैसी भी है स्वीट डिश अपनी रेडी हो चुकी है ना। ब्रेड टूट गई मेरे से, पर बहुत बढ़िया है स्वीट डिश। हनी और मिल्क के साथ, बटर के साथ बहुत बढ़िया अपन ने एक स्वीट डिश बना ली। देखने में मत जाइए दोस्तों, स्वाद लेकर देखेंगे कैसी बनी है ना। ब्रेड की स्लाइसेस हैं और अपना दूध रेडी है। तो बहुत ही कम समय में, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर दोस्तों अपना ये ब्रेकफास्ट रेडी है ना। गैस कैनिस्टर, गैस स्टोव का यही फायदा है। तो चलिए सबसे पहले स्वीट डिश को ही चख लिया जाए। सॉफ्ट बनती है दोस्तों, एकदम दूध में भिज जाती है। लेते हैं प्रभु का नाम, शुरू करते हैं। मुंह में डालते ही घुल जाती है दोस्तों, लाजवाब। हनी का स्वाद आ रहा है, बटर का स्वाद आ रहा है और मिल्क तो है ही इसमें। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया अपना ब्रेकफास्ट दोस्तों, है ना। मिल्क का भी एक सिप ले लेते हैं। क्या मलाई मार के। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। ठंडा हो गया दोस्तों, मतलब मैंने आपसे दो लाइन बातें क्या किया, ये बिल्कुल ठंडा हो गया। होल्ड कर देते हैं, ये हो गया, खोल लेते हैं। बहुत आसान है, 4-5 बार में घुमाइए, ये खुल जाएगा, है ना। ये खुल गया, कोई गैस लीकेज नहीं, कुछ नहीं। इसका नाम नीचे लिखने की जरूरत तो है नहीं दोस्तों। हैंस का 230 ग्राम का कैनिस्टर है, 550 रुपये में पड़ा है दोस्तों, है ना। इसका नाम जरूर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। मॉडल 2 है दोस्तों, आप नीचे देख सकते हैं, मॉडल 2 है, बहुत बढ़िया स्टोव है। अब ये कितना चलेगा ये तो नहीं मालूम, है ना। लेकिन सोलो पर्सन के लिए, जब हम बहुत कम समय के लिए मैगी वगैरह बनाने के लिए जब इसको जलाएंगे, तो उम्मीद है कि ये बहुत लंबा चलेगा। लाइटर को पूरे 100 मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों, एक एक बार में जला है, दोबारा मुझे जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये दो आइटम दोस्तों, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों। टोटल दोस्तों इसका अमाउंट 550 रुपये है, 650 रुपये है, 6, 5, 11 और 1200 रुपये में कंप्लीट सेट पड़ रहा है दोस्तों। बहुत बढ़िया लगा दोस्तों, 1 पर्सन के लिए बहुत बढ़िया है, इजी टू कैरी है ना। इसके अंदर इसको ढांकने के लिए यहाँ पे ऐसे लिड दी गई है, लिड से ढांक दीजिए, है ना। तो ये कम से कम मेरे पास अभी 4 कैंपिंग में इस्तेमाल हो सकता है। इतना इसमें मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा कि कितना खाली हुआ है, वेट में उतना ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है।
तो यही है दोस्तों आज का कैंपिंग गियर, कैंपिंग गैजेट्स। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। मैं अपने नाश्ते को कंटिन्यू रखता हूँ और ये कोशिश आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए है ना, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। एक बाइट आपके साथ।